टाइम क्या चीज का लगा हुआ है? यहाँ पूजा का टाइम नहीं लगा है। पूजा का टाइम क्या? आप पूजा तब हम जा रहे हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो सारे ट्रीटमेंट होने के बाद जो है अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, तो हमारा जो कंक्लूजन ये निकला कि गिर गई थी में, तो वही हाथ में ही लग रहा फ्रैक्चर हो गया है। तो हमें प्रिया को दिखाने आए यहाँ चक्कर और अजीब था, ये अच्छी नहीं ले रहा है, क्या बोलते हैं इसे नहीं ले रहा है, ब्रेकफास्ट है इसको कहीं खिलाइए तो एक हाँ बाबू है, बाबू कटवा रहा है। ये आपका
यानी कि कोई भी खड़ा हो तो कभी भी गिर सकता था और एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन आज देख रहे हैं कि ये रेलिंग जो है ठीक कर दिया गया है। ये हॉस्पिटल का कंपाउंड है, बाबू बाबू कासिम।
कार्ड है ना तुम्हारे पास? राशन आओ ना, राशन कार्ड है ना, दिखाओ। नहीं आयुष्मान नहीं बना, दिखाओ राशन कार्ड। आधार कार्ड तो लेकर नहीं आए हैं। है मेरे पास पर्ची, इनके पास क्या करना है? और नहीं आधार कार्ड के लिए आधार का है। चलिए मेरे साथ में, मैं देख लूंगा आपका, जितना मदद कर सकता हूँ। चलो बन पाएगा क्या? इनका पेपर मेरे पास है, मशीन का पेपर तो आपके लोगों के पास Thank you.
9122607801। की वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा लगता है। Thank you.
आयुष्मान कार्ड जो अलग अलग बन जाओ, ऐसा क्यों? आयुष्मान कार्ड के लिए ना आप उनको भी ब्लॉक दे दीजिए, तो यहाँ पर उनका क्यों नहीं बना? डिपार्टमेंट वाइज करता है के हाथ का एक्सरे किया जा रहा है, क्योंकि माँ के हाथ में एक्शन में गिर जाने की वजह से चोट लग गई थी, तो उसी को दिखाने के लिए हम लोग जो हॉस्पिटल आए हुए हैं।
तो प्लास्टर का वीडियो तो हमें बनाने नहीं दिए। प्लास्टर का वीडियो नहीं बनाने दिया गया। अब तो यहाँ का सारा काम हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या दवा मिल जाता है। जो दवा यहाँ पे मिल जाएगा वो ले लेंगे, फिर बाहर से जो लेने का होगा वो बाहर में लेंगे। तो चलते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट। नट गिर गया। तब हम जा रहे हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट। ये मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो पुराना बिल्डिंग है, लाल बिल्डिंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पर भी लाइन लगा। दवा लेने के लिए लाइन लगाए गए हैं। मुझे दवा मिल चुकी है, हम जा रहे हैं नीचे। तो सारे ट्रीटमेंट होने के बाद जो है अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन ये निकला कि सरकारी हॉस्पिटल में भी जो है ट्रीटमेंट सही होता है। हाँ, प्राइवेट के जैसा नहीं होता, लेकिन यहाँ भी ट्रीटमेंट जो है सही होता है।